दोस्तों, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सेकेंड वीडियो और हम पहले वीडियो में बता चुके हैं आपको होम टैब के बारे में और इसमें हम बताने वाले हैं आपको इंसर्ट टैब के बारे में। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आपका ज़रा सा भी टाइम नहीं लेने वाला हूँ, मैं टू द टॉपिक केवल बताने वाला हूँ, है ना। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, आप कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अब चलता हूँ सबसे पहले इंसर्ट टैब में, लेकिन मैंने आपको होम टैब में बताया था। अब जब भी ओपन करते हैं अपना लेआउट में जा करके अपना पेज चूज कर लीजिए जो प्रिंटर में है। सो हम लोग इंडिया में A4 साइज़ का यूज करते हैं, इसीलिए A4 यहाँ पर हम चूज कर लेंगे। अब देखिए, हमने होम टैब के बारे में तो देख लिया है, और यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके उसे देख सकते हो। तो चलिए हम आज बात करते हैं इंसर्ट टैब के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, जो फर्स्ट टॉपिक है ये है कवर पेज। कवर पेज क्या होता है कि हम यदि बुक लिखते हैं तो एक कवर पेज की ज़रूरत होती है, तो हम कवर पेज यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कुछ रेडीमेड कवर पेज आपको मिल जाती है ना। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा ले लेता हूँ और यहाँ से आप इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। मैं एक सदगुरु जी का बुक का यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ठीक है, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा छोटा और ये बोल्ड, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ बाय सदगुरु, सदगुरु जी लिखें, और ये यहाँ पर डेट, मतलब जो भी रहता है टेबल ये पेज कवर के फॉर्मेट में, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली इसे चेंज कर सकते हो। तो ये एक सिंपल छोटा सा कवर पेज देखिए यहाँ पर बन गया। आप चाहे तो किसी और कोई और कवर पेज यहाँ पर चूज कर सकते हो, है ना, इतना सारा है। और इससे भी यदि आप कुछ स्पेशल चाहते हो तो एक आपको ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जाना पड़ेगा, या फिर आप खुद से बना सकते हैं फोटोशॉप में या फिर एडोबी का इलस्ट्रेटर में। तो खैर, मैं यहाँ पर एक सिंपल सा यहाँ पर बना दिया। यदि आपको कोई और चूज करना है तो वो चूज कर सकते हैं और उस पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं सारा कंटेंट, टेक्स्ट वगैरह। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल ये करता हूँ, सेलेक्ट ऑल और डिलीट कर देता हूँ। सभी देखिए हट गया, ये पेज मेरे पास यहाँ पर बचा हुआ है। अब देखिए, दूसरा जो टॉपिक है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज के लिए मैं यहाँ पर कुछ एक रेंड नाम का जो फंक्शन यूज करते हैं ना, उससे हम कुछ एक टेक्स्ट यहाँ पर रेंडमली जनरेट कर लेते हैं। ये देखिए टेक्स्ट जनरेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ब्लैंक पेज क्या होता है, यदि कर्सर ब्लैंक पेज के ऊपर है, मतलब टेक्स्ट के बीच में नहीं है, तो एक सिंपली एक नया पेज जनरेट करेगा। यह है ना, नया पेज जनरेट कर रहा है। डबल बैक प्रेस कीजिएगा, ये हट जाएगा क्योंकि दूसरे वाले पेज पर कोई टेक्स्ट नहीं है। और यदि हम कर्सर कहीं और रहता है, मतलब टेक्स्ट के बीच में रहता है, देखिए अभी यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट के बीच में है और इसके नीचे दो पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम करते हैं ब्लैंक पेज, तो क्या होगा, ये दोनों के बीच में एक नया पेज जनरेट करेगा, ब्लैंक पेज जनरेट करेगा, और ये जो टेक्स्ट है तीसरी पेज पर चला जाएगा। मतलब पहला पेज तो ये हो गया जो ये सारा लिखा हुआ, इतना दूसरा पेज एक ब्लैंक होगा इसके बाद, और तीसरा पेज पर ये रहेगा। अब देखिए हम यहाँ पर करते हैं ब्लैंक पेज, कर्सर अभी यहाँ पर है, ब्लैंक पेज करते हैं। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, देखिए तो कुछ टेक्स्ट फर्स्ट पेज पर है, सेकंड पेज में पूरा ब्लैंक है, थर्ड पेज में जो दो पैराग्राफ था वो चला गया। कंट्रोल जेड कीजिए, अंडू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पेज ब्रेक क्या होता है, पेज ब्रेक क्या होता है, पेज को तोड़ता है। जैसे आपका कर्सर यहाँ पर है, मतलब दो पैराग्राफ के ऊपर में, तो ये क्या करेगा, पेज को ब्रेक कर देगा और ये जो टेक्स्ट है दूसरे पेज पर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम करते हैं पेज ब्रेक, ये देखिए टेक्स्ट आ गया दूसरे पेज पर, है ना, ये देखिए। कंट्रोल जेड कीजिए, अंडू। इसका शॉर्टकट एक और है, कंट्रोल और इंटर प्रेस कीजिएगा तो पेज ब्रेक होता है, ये देखिए कंट्रोल और इंटर। तो इस तरह से हम पेज ब्रेक, पेज ब्लैंक पेज जनरेट कर सकते हैं और कवर पेज लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेबल, टेबल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ज़रा सा भी मिस नहीं कीजिएगा, ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो। तो मैं यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है मैं उसको मिटा देता हूँ, मतलब कंट्रोल सेलेक्ट एल, सेलेक्ट ए करते हैं, उसके बाद डिलीट या फिर बैक स्पेस से डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं ये टेबल के बारे में। तो टेबल जनरेट करने के लिए यहाँ पर दो तरीका है, एक तो यहाँ पर ड्रैग कीजिए डायरेक्टली और जनरेट होगा। ये देखिए इधर से कॉलम होता है कि कितना कॉलम आपको चाहिए, मुझे यहाँ पर चार कॉलम चाहिए, और रो कितने चाहिए आपको, फिर नीचे जानी है, तो चार कॉलम फिर तीन रो हमको चाहिए। तो इस तरह से हम एक टेबल सिंपल सा जनरेट कर सकते हैं।
आपको यदि ये नहीं चाहिए, दूसरा तरीका एक और है, यहाँ पर हम डिलीट कर देते हैं इसे कि इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब के अंदर में एक टेबल, यहाँ से हम इंसर्ट टेबल कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम मुझे कितना चाहिए, तो मुझे फिलहाल अभी चाहिए 4, और कॉलम रो चाहिए यहाँ पर कितना, 3। तो ये हो जाता है रो, एक रो हो गया, दो रो हो गया, 1 2 3, तो 3 यहाँ पर रो है और 4 कॉलम है ना। तो आपके पास दो तरीका है टेबल यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए, एक तो यहाँ से आप सीधा कीजिए इस तरह, और दूसरा यहाँ से, ठीक है। तीसरा और भी है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम उसमें लग जाएगा आपको, लेकिन शॉर्टकट तरीका यही दो है, दो तरीक़े से आप यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर हम कुछ डेटा फीड कर देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल यहाँ पर फिल कर दिया है, और आप जैसे ही एक टेबल के ऊपर में आप क्लिक कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर दो टैब मिल जाएगी टेबल टूल्स के नाम से, एक डिज़ाइन, डिज़ाइन में हम टेबल का डिज़ाइन बनाते हैं अट्रैक्टिव दिखने के लिए, दूसरा लेआउट, लेआउट में हम क्या करते हैं, जितना भी एडिटिंग का काम होगा, मतलब मुझे एक और कॉलम चाहिए, रो चाहिए, डिलीट करना है या फिर इंसर्ट करना है, कुछ ऐसा काम करना है टेबल के अंदर में, तो हम लेआउट के अंदर में काम करते हैं ना। तो मुझे यहाँ पर देखिए अभी मैंने क्या रखा है, एक सीरियल नंबर का रखा है कॉलम, ये कॉलम है, एक नेम ऑफ स्टूडेंट है, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, मुझे यहाँ पर एक और मैथ का चाहिए, ठीक है, एक कॉलम मुझे चाहिए। तो हम कर्सर यहाँ पर रखेंगे, ये कर्सर जो ब्लिंक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लास्ट में रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये लेआउट टैब के अंदर में, यहाँ पर देख सकते हैं इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, तो जहाँ पर आपका कर्सर रहेगा उसी के ऊपर नीचे लेफ्ट में राइट में जनरेट होगा। तो हम मुझे यहाँ पर इंसर्ट राइट करना है, मतलब इसके जस्ट बाजू में यहाँ पर राइट साइड में एक इंसर्ट करनी है कॉलम, तो ये देखिए हो गया। अब हम इस यहाँ पर रख देते हैं इसे मैथ, ठीक है, हम इसमें मैथ में कुछ डेटा लिख देते हैं। तो इस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं एक कॉलम, यदि मुझे एक यहाँ पर रो चाहिए तो यहाँ से इंसर्ट बिलो, यहाँ पर देखिए मेरा कर्सर लास्ट में है, इंसर्ट बिलो करेंगे तो नीचे में एक रो जनरेट हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और शॉर्टकट तरीका है, टैब आप केवल प्रेस कीजिए, देखिए यहाँ पर एक नया रो जनरेट होते जाएगा, तो टैब से आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम ये जो दो एक्स्ट्रा है हम इसे डिलीट करना चाहेंगे, तो हम सीधा दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बताइए डिलीट, अब डिलीट के बाद यहाँ पर देखिए ये है डिलीट रो, डिलीट रो कीजिएगा डिलीट हो जाएगा। उसी तरह से हम डिलीट कॉलम करेंगे, देखिए यहाँ पर कॉलम इस तरह से सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए सेलेक्ट करने की बहुत इजी तरीका है, कॉलम आपको यदि सेलेक्ट करनी है तो कॉलम के ऊपर में चले जाइए आप, उसके बाद एक आपको एरो मिल जाएगा, अब जैसे ही एरो आएगा आप क्लिक कीजिएगा तो वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और यदि आपको एक से ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट करनी है तो एक तो पहले आप इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके रखिए, और कंट्रोल के साथ में आप फिर से ऐसे क्लिक कीजिए, तो जितना बार आप क्लिक कीजिएगा कंट्रोल दबा करके उतना कॉलम सेलेक्ट होती जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर रो के जस्ट बगल में क्लिक कीजिएगा तो एक रो सेलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए आपको ये थोड़ा सा इजी होगा काम करने में, है ना। चलिए अब फिर हम बात करते हैं, देखिए अभी हम कॉलम के ऊपर आ गए हैं, फिर से ये दो टैब आ गया है। अब देखिए मुझे यहाँ पर अभी इसके ये रो के ऊपर में चाहिए एक और रो, तो हम क्या करेंगे, कर्सर हम सबसे ऊपर वाले में ले जाएंगे, चाहे आप कहीं भी रखिए केवल ऊपर वाला रो में होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे इंसर्ट एबव, तो देखिए ऊपर में आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम करेंगे यहाँ पर इंसर्ट, यहाँ पर देखिए ये मेरा कर्सर है, इंसर्ट करेंगे लेफ्ट तो इसके बाजू में आ जाएगा, यहाँ पर मेरा कर्सर है, इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए इंसर्ट लेफ्ट, तो जस्ट इसी के बगल में आ गया, गलती हो गया, कंट्रोल जेड कर दीजिए अंडू, ठीक है। अब सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से हम इस यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मुझे ना यहाँ पर लिखना है, ये जो टेबल बन रहा है स्टूडेंट का डाटा है, तो स्टूडेंट का डाटा है, यहाँ पर क्या करेंगे हम इसे मर्ज करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे बीच में स्टूडेंट डेटा, तो यहाँ से आप देख सकते हो मर्ज सेल्स। अब देखिए सेल्स क्या होता है, जैसे सीरियल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो ये जो बॉक्स एक बॉक्स है उसे हम सेल कहते हैं, और हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज सेल कर देंगे, ये देखिए मर्ज हो गया, और यहाँ से हम लिख सकते हैं अब
स्टूडेंट डेटा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ ठीक है लग नहीं रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसे बीच में चाहिए, सेंटर में। तो हम क्या करेंगे, कॉलम ए रो को हम सेलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो ये अलाइनमेंट में सेंटर कर देंगे। ये देखिए सेंटर में आ गया। आप इसे थोड़ा सा मोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाइए, इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह। होम में जाइए, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। कलर चेंज करना है, यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप फॉर्म टाइप में सीखे होंगे ये सारा चीज़, है ना। उसी तरह से यदि हम चाहें कि हम सभी को बीच में ले आ जाएं, मतलब ये भी देखिए थोड़ा सा क्या है कि लेफ्ट में है, ये भी लेफ्ट में है, तो एक साथ सभी को लाने के लिए यहाँ पर ये है ना टेबल के ऊपर में, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जाइए लेआउट टैब में और यहाँ से आप जाइए सीधा अलाइनमेंट के सेंटर में। तो ये देखिए सभी एक बार में हो गया बीच में, है ना। तो ये थोड़ा सा सुंदर दिख रहा है। उसके बाद हम देखिए ये है स्प्लिट सेल्स। अब देखिए मैथ यह केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर में हम चाहते हैं कि एक टैब इसके अंदर में एक और बनाए, यहाँ पर थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। तो थ्योरी में इतना मार्क्स आया, प्रैक्टिकल में इतना मार्क्स आया, तो हम उस तरह बनाने के लिए ये देखिए हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री वाला जो सेल है इसको एक सेल को हम दो रो बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और मुझे यहाँ पर कॉलम जो है एक ही रहना चाहिए और मुझे यहाँ पर रो चाहिए दो। ये देखिए दो हो गया। अब ये दूसरे वाले रो में मुझे यहाँ पर कॉलम चाहिए, बीच में एक लाइन चाहिए। तो ये हम सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम जाएंगे स्प्लिट सेल्स में। अब देखिए जितना ऑटोमेटिक जितना भी हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है ना, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबर ऑफ रो आ जाएगा। कितना कॉलम चाहिए आपको यहाँ पर, मुझे यहाँ पर अभी फ़िलहाल दो चाहिए। यदि आपको तीन चाहिए तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं या फिर आप मैनुअली यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर दो चाहिए, ये हो गया दो। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है मुझे यहाँ पर लिखना है क्या, थ्योरी और यहाँ पर प्रैक्टिकल। तो केमिस्ट्री के अंदर में आप देख सकते हो एक आ गया थ्योरी, एक आ गया प्रैक्टिकल। अब थ्योरी में यहाँ पर मार्क्स लिखा जाए 54, 62 और प्रैक्टिकल में उसी तरह मिला है 23, किसी को मिला है 25। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्प्लिट सेल्स कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहे तो एक बार में ये पूरा रो को सेलेक्ट कर ले और इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप जाइए फिर से होम में, यहाँ से आप देखिए कुछ और कलर रखना चाहते हैं, यहाँ से इसे रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है थोड़ा सा सब में है, इसीलिए ये सेलेक्ट नहीं होगा, आपको यहाँ से मैनुअली करना पड़ेगा, हो गया। तो इस तरह से हम स्प्लिट सेल्स कर सकते हैं। और फिर से मैं देखिए आप देखिए स्प्लिट टेबल, टेबल क्या होता है, जहाँ पर आपका कर्सर है, जैसे मेरा कर्सर अभी यहाँ पर दूसरा नंबर पर है, लास्ट सेकेंड लास्ट पर है ना, तो वो अभी टेबल एक टूट जाएगा, मतलब बट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दो जो रो है ये दोनों अलग हो जाएगा। आपका ये कर्सर डिपेंड करता है कि आपका कर्सर कहाँ पर है। तो मेरे कर्सर जो है सेकेंड लास्ट में है, तो ये जो दो रो बचा हुआ है ना, तो ये अलग हो जाएगा टेबल से। ये देखिए स्प्लिट टेबल। फिर से यदि जोड़ना है कंट्रोल जेड कर दीजिए, अंडू हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्प्लिट टेबल करना चाहेंगे तो यहाँ से स्प्लिट टेबल भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ऑटो फिट है ना, ये तो अभी यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा पेज का फिट में है, मतलब ये टेबल जो है ऑटोमेटिक फिट है। यदि आप चाहें कि ये जो स्पेस यहाँ पर है सीरियल नंबर के बाद, देखिए बहुत ज़्यादा स्पेस ले लिया है, तो आप इसे सीधा कीजिए ऑटो फिट कंटेंट, मतलब कंटेंट के अनुसार ही केवल ऑटो फिट होगा, लेकिन थोड़ा सा कंजस्टेड दिखता है ना, ये थोड़ा सा कंजस्टेड दिखता है। तो आप इसे यहाँ पर ऑटो फिट विंडोज रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक फिक्स्ड कॉलम विड्थ जो है, यहाँ पर ये देखेंगे तो ये थोड़ा सा हम ये कॉलम के अंदर में दो दो बना रखा है, इसीलिए ये नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये इतना जो है सेलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पर करते हैं फिक्स्ड कॉलम विड्थ, तो ये तीनों का जो है फिक्स्ड कॉलम विड्थ हो जाएगा। नहीं हुआ तो आप सीधा यहाँ से भी कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। तो यहाँ पर सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कीजिएगा तो ये देखिएगा तो फिक्स्ड साइज में सबको आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को भी चाहिए आपको, ये दोनों भी आप यदि फिक्स्ड कॉलम में चाहते हैं तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पर क्लिक कीजिए, ये देखिए फिक्स हो जाता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रो भी कर सकते हैं। ये देखिए किसी किसी रो में बहुत ज़्यादा बड़ा साइज हो जाता है, जैसे अभी हम क्या करते हैं
एक वाले सेल को थोड़ा सा हम पकड़ के लाते हैं और ऐसा कर देते हैं। अभी देखिए एक ये मोटा हो गया, एक पतला हो गया, लेकिन हम चाहते हैं सभी बराबर रहे, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे और हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट रोज़। ये देखिए सब सही हो गया। तो इस तरह से हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। और किसी को आप अभी बड़ा रखना चाहते हैं, किसी को छोटा रखना चाहते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर अभी क्या, मैंने यहाँ पर कोई भी सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम ये है फिजिक्स में 85। उसके बाद यहाँ से हम मैनुअली इसे बढ़ा भी सकते हैं, घटा सकते हैं, इसी तरह इसका हाइट भी हम बढ़ा कर घटा सकते हैं। ठीक है, अब एक चाहे तो हम बताए ना यहाँ पर एक पकड़ के भी आप बढ़ा घटा सकते हैं इसे लाइन को, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर आपने देख ही लिया कि किस तरह से हम टेक्स्ट रखते हैं। जैसे पूरा टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, आपको यदि लेफ्ट में चाहिए तो सब लेफ्ट में आ जाएगा, आपको चाहिए टॉप टॉप सेंटर में तो टॉप सेंटर में आ गया। लेकिन फिलहाल अभी अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग को चाहिए होता है सेंटर में ये, ताकि सब बीच में दिखे तो अच्छा लगता है, कोई लाइन में टच नहीं रहता है। अब देखिए यहाँ पर एक आ गया है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन मतलब कभी सीधा, कभी 90 डिग्री, तो कभी 180 डिग्री, ऐसे ये घूमते रहता है। ये देखिए हम थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो ये जो कर्सर है ये वाला, इसका डायरेक्शन चेंज करते रहेगा। तो आप यहाँ पर ये जो है यहाँ पर सेल मार्जिन्स कम ही हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए अलाइनमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ही अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन आपको यदि चाहिए सेल मार्जिन मतलब पूरे, जैसे अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, सेलेक्ट ऑल टेबल कर लेते हैं और ये है गया सब लेफ्ट में आ गया, टॉप में आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, हल्का सा लेफ्ट में मार्जिन चाहिए, लेफ्ट में केवल, और हल्का सा टॉप में। अब ये देखिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट में हल्का सा मुझे चाहिए मार्जिन, मैंने 0.2 कर दिया, और टॉप में मुझे हल्का सा चाहिए मार्जिन, तो 0.1 ही रहने देते हैं ना। तो ये देखिए थोड़ा सा लेफ्ट में मार्जिन मिला, मार्जिन लेफ्ट में थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, 0.4 कर देता हूँ। ये देखिए है ना, इस तरह से हम चाहें तो जितना भी चाहें उतना हम यहाँ पर लेफ्ट में मार्जिन, टॉप में मार्जिन हम रख सकते हैं। लेकिन ये जो है शॉर्टकट तरीका, यहाँ पर आप सीधा यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपको ये आसानी से बहुत जल्दी से काम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं सीरियल नंबर कुछ लिख देता हूँ गड़बड़, जैसे 4, उसके बाद हम लास्ट लिखते हैं 5, 5 लिखते हैं ऊपर में, 4 लिखते हैं नीचे में। मुझे इसे सॉर्ट करना है, तो क्या करेंगे, हम पूरा एक बार कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। अब कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिख कर देंगे सॉर्ट, असेंडिंग में चाहिए आपको डिसेंडिंग में चाहिए, तो असेंडिंग में चाहिए मुझे, तो देखिए असेंडिंग में कर दिया 1 2 3, 1 2 4 5, 3 यहाँ पर नहीं है इसलिए यहाँ पर देखिए असेंडिंग में कर दिया। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पर ये कन्वर्ट टेक्स्ट, तो हम टेबल को टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चूज करनी है कि टैब में करनी है या फिर कॉमर्स में करनी है सेपरेट, या फिर पैराग्राफ्स मार्क में करनी है। तो हम एक बार टैब में करते हैं, उसके बाद हम करेंगे कॉमा में, तो आपको इफेक्ट यहाँ पर दिखेगा। देखिए अब ये देखिए क्या हुआ, ये टैब में सेपरेट हुआ है। ठीक है, एक सीरियल नंबर ये आ गया, नेम ऑफ स्टूडेंट ये हो गया, कंट्रोल जब जेड कर दीजिए अंडू। अब आ जाइए फिर लेआउट में, कन्वर्ट टू टेक्स्ट करते हैं कॉमा, तो अब जो सेपरेट होगा कॉमा से होगा। ये देखिए कॉमा कॉमा हुआ ना, तो ये थोड़ा सा पेचीदा जैसा लग जाता है, आप ऐसा ना कीजिएगा, तो कंट्रोल जेड कर दीजिए अंडू हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए मैं अभी क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक और हम टोटल नाम का कॉलम इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं क्लिक, उसके बाद इंसर्ट राइट करते हैं, ये देखिए, और हम यहाँ पर लिख देते हैं टोटल। अब देखिए मैंने जैसे यहाँ पर इंसर्ट किया ना, तो इधर जो फॉर्मेटिंग था वही यहाँ पर लेके आ गया। अब मुझे क्या कि ये जो है मुझे ये नहीं चाहिए बीच में, और मुझे इसे भी मिटाना है, तो हम क्या करेंगे लेआउट में जाएंगे और यहाँ से देख सकते हो आप एक इरेजर, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये मिट गया, ये देखिए मिट गया। तो इस तरह से हम इरेजर का भी काम यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्मूला के बारे में। तो ये फॉर्मूला है सिंपली, यहाँ पर क्या करता है, सम करता है, या फिर अब जो यहाँ पर लिखेंगे सम या फिर मल्टीप्लाई, तो जो भी यहाँ पर लिखेंगे आप वही काम यहाँ पर करेगा। तो जिस तरह हम लोग लगाते हैं ना एक्सेल में फॉर्मूला, उसी तरह यहाँ पर भी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सम लेफ्ट लिखते हैं,
तो ये जो कर्सर है, कर्सर के इधर लेफ्ट में जितने भी नंबर हैं सबको ऐड करके वहाँ पर लिख देगा, है ना। उसके बाद फिर से हम करते हैं सम, यहाँ पर ऑटोमेटिक एबव आ रहा है क्योंकि ऊपर में भी नंबर है इसीलिए। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम करते हैं लेफ्ट, तो ये लेफ्ट का सारा नंबर जोड़ करके ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए लिख देता है। तो इस तरह से हम फार्मूला का भी काम कर सकते हैं। तो इधर हम सब चीज़ ये सारे देख लिए हैं। डिलीट में आप देखें यहाँ पर डिलीट किस तरह करेंगे, डिलीट सेल, जैसे आपको कोई एक सेल डिलीट करनी है और ये डिलीट में जाएंगे हम यहाँ कर देंगे डिलीट सेल। तो जैसे ही यहाँ पर हम डिलीट करते हैं, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, शिफ्ट सेल लेफ्ट। अब ये जो लेफ्ट जो सेल है शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट में, तो हम कर देते हैं ओके। तो ये देखिए सेल यहाँ से उठ करके इधर लेफ्ट में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम सेल को भी डिलीट कर सकते हैं। और हम मुझे यदि कोई रो चाहिए डिलीट करना है, तो यहाँ से हम करेंगे सेलेक्ट रो और यहाँ से हम जाएंगे डिलीट रो। पूरा टेबल को डिलीट करनी है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये हो गया डिलीट टेबल। तो इस तरह से हम कॉलम रो और टेबल को डिलीट कर सकते हैं। हमने कंट्रोल जेड करके अंडू करके वापस इसे ले आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिल जाती है ड्रो टेबल, तो आपको यहाँ पर एक पेंसिल मिल जाएगा। पेंसिल मिल जाने के बाद आप यहाँ से इसे मैनुअली एक टेबल जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए तो इस तरह से आप अपना एक टेबल जनरेट कर सकते हैं पेंसिल की सहायता से भी। और आप चाहे तो इसे आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो इसमें आपको टाइम लगेगी, वो डायरेक्ट आप वहाँ से जाइए इंसर्ट में और यहाँ से सीधा टेबल इंसर्ट कीजिए। अब ये देखिए सेलेक्ट का ऑप्शन क्या क्या है। सेलेक्ट मतलब सेल का ही सेलेक्ट करना है, तो जहाँ पर आपका कर्सर है वहाँ से आप जाइए यहाँ से सेलेक्ट सेल कर सकते हैं। आप इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो फिर भी आपका सेल सेलेक्ट हो जाएगा। पूरा टेबल को सेलेक्ट करनी है तो ये जो चार यहाँ पर आ रहा है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है, पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ कुछ टेबल्स का सिलेक्शन है, तो ये हम सिलेक्शन भी जानते हैं। फिलहाल मैं अभी इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से जा करके डिलीट टेबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइंस, इसका क्या काम है। हमें अभी डिज़ाइन में जाते हैं और यहाँ से ये जो टेबल है इसका हम ये बॉर्डर किधर गया, बॉर्डर यहाँ पर, यहाँ से हम नो बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बॉर्डर दिख रहा है क्योंकि ये ग्रिड लाइन में सिलेक्शन किया हुआ है। अब इसको हम हटा देंगे, ये देखिए हट गया। तो हम बॉर्डर जैसे हटाएंगे आपको इस तरह कुछ दिखेगा, लेकिन आपको फिर भी देखना है कि यहाँ पर एक टेबल है, तो टेबल का ग्रिड में यहाँ पर देख सकते हैं व्यू ग्रिड लाइंस, तो आपको हल्का हल्का दिखेगा कैसे कैसे फॉर्मेटिंग हुआ है, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पर हम देखिए प्रॉपर्टीज़। तो फिलहाल अभी हम जा करके फिर से हम डाल देते हैं बॉर्डर, ऑल बॉर्डर कर देते हैं, सेलेक्ट ऑल करके करते हैं जाके ऑल बॉर्डर्स। तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर आ गया। अब हम फिर जाते हैं लेआउट में और यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर्टीज़। तो हम प्रॉपर्टीज में जैसे ही क्लिक कीजिएगा, ये टेबल का प्रॉपर्टीज़ है, क्या है टेबल का प्रॉपर्टीज़ है। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेबल को मुझे चाहिए लेफ्ट में नहीं सेंटर में चाहिए, तो सेंटर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके टेबल आ जाएगा सेंटर में। तो ये कुछ कुछ टेबल का प्रॉपर्टीज़ है, आप यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हो। और सेल्स वगैरह के बारे में, रो कॉलम सेल्स के बारे में सब चीज़ यहीं पर हमने देख रखा था। केवल एक जो यहाँ पर टैब है ये टेबल में स्पेशल है, बाकी यार कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सारा कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं डिज़ाइन टैब में। तो ये है डिज़ाइन टैब, ये था लेआउट टैब। अब ये डिज़ाइन टैब में देखिए यहाँ पर कुछ कुछ आपको टेबल का डिज़ाइन मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए, पूरा आपका टेबल सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आप कोई भी एक डिज़ाइन चूज कर लीजिए। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा डिज़ाइन ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिएगा कुछ कुछ यहाँ पर ये टेबल का प्रॉपर्टीज़ या फिर ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, हेडर रो, मतलब ऊपर वाले रो में क्या आपको चाहिए ऐसा और दिन नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप हटा दीजिए। टोटल रो, टोटल रो में मतलब आपको चाहिए हाईलाइट, तो यहाँ से आप टोटल रो कर सकते हैं। तो टोटल रो जो नीचे वाली है यहाँ पर देखिए हाईलाइट हो गई। उसी तरह बैंडेड रो मतलब क्या होता है कि एक रो छोड़ करके अलग अलग कलर चाहिए, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए अलग अलग आपको कलर मिल जाएगी। उसी तरह बैंडेड कॉलम, तो ये कॉलम जो है अलग अलग आपको कलर मिलेगी बैंडेड कलर में, देखिए ये तो एक एक कॉलम छोड़ छोड़ करके अलग अलग आपको कलर मिल जाएंगे। इसी तरह यहाँ से लास्ट कॉलम में आपको चाहिए कलर, तो ये देखिए लास्ट कॉलम में आपको मिल जाएगा कलर। तो इस तरह से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ लोग हैं यहाँ पर, इसे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
उसी तरह से यहाँ पर आप टेबल का पूरा कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। उसी तरह से आप देखिए ये जो है ना टेबल का जो लाइनिंग है उसका भी आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए अलग अलग आपको यहाँ पर बॉर्डर का स्टाइल मिल जाता है। अभी हम एक छोटा सा ये ले लेते हैं, कोई भी कलर, ये वाला, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ही आप यहाँ पर चूज कीजिएगा बॉर्डर स्टाइल, तो आपको एक मिल जाएगा यहाँ पर सेट करने के लिए, ये देखिए। लेकिन हम यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, एक एक कलर कर रहे हैं, तो हमको अभी पूरा सेलेक्ट ऑल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे बॉर्डर में और हम अप्लाई कर देंगे इस तरह ऑल बॉर्डर में। तो ये देखिए सभी पर अप्लाई हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम यहाँ से चूज करते हैं बॉर्डर का स्टाइल, और ये बॉर्डर पेंटर हम लोग यहाँ पर अलग अलग चेंज कर सकते हैं। इसे हम छोड़ करके हम पूरा सेलेक्ट करेंगे टेबल। अब ये देखिए पूरा सेलेक्ट कर लेंगे हम टेबल, और जो भी स्टाइल है हम सीधे यहाँ पर बॉर्डर में जा करके सीधा अप्लाई कर देंगे, तो हमें बॉर्डर पेंटर से एक एक करके अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरा टेबल का प्रॉपर्टीज शायद आप पूरा समझ गए होंगे। यदि आपको इसमें और कुछ छूट गया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं हो सकता हूँ तो ऐड कर दूंगा इसमें, ठीक है, अगले वीडियो में। हालांकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि हमने सब चीज़ यहाँ पर बता रखा है आपको। तो अब हमें आप देखिए यहाँ पर हम ये जो बात था केवल टेबल का एक प्रॉपर्टीज था, इसमें इतना लंबा था, है ना। अब ये देखिए पिक्चर्स वगैरह हैं।